हटियो परे को कहा बालगंज की तरह फावड़े चला रहा ले रे को कुछ जाने भी है ऐसे कटहर मेंड ए बाबा तुम यहाँ खड़े होकर दौतन में इसमें आ रहे हो हमारे खेत की मेंड काट रहे हैं कहते क्यों ना इनसु तू बेकूफ तो ना तो दिख ना रहे लौंडा खेल तो भी तोड़ेंगे वो भी तोड़ेंगे रंगीला खुद 6 साल की जेल काट का आया अभी भेलिकड़ी पड़ी है अवैध कब्जे करेगा अब तू तो बाबा अवैध कब्जे करेगा तो पहला हमारे खेत में लाओ पूरा गांव पढ़ाओ किसी और के खेत में जाकर भावला चला ले बाबा तुमने चूड़ी पहन रखी होंगी अमन भाटी ने नहीं पहन रखी अभी देखता हूँ और ढोर रुक जा चूड़ी ना पहन रखी पता ना रिश्ता होगा तेरा लड़ाई झगड़े में पड़ेगा ना तो मोस मत कहिए टूट जाएगा रिश्ता फुलेरा दोस्त को बिहार हो तो पता फिर ना बाबा ये बात तो खैर तुम ठीक कह रहे हो लड़ाई झगड़े ठीक ना हो नुकसान ही हो दानु पार्टी इनको मैं इन्हें मारपीट कर दूंगा कोई से का कुछ ज्यादा चोट वोट आ गई तो मुंह पे केस वेस गिर जाएगा तो सही ना सही कह रहे हो आप हम कानून के हिसाब से लड़ेंगे बाबा कानून के हाथ बहुत लंबे हो गए वे दबोच लेंगे इन्हें है ना बाबा हम क्यों पड़े फालतू में हाँ कानून देख लेगा अपना खालिद देख लेगा अपना आप हमारा कहा मतलब हमने तो खालिद दे रखो खेत अब तू घर को जा धोरन ने न्यार फूस कर दिए पानी पिया दिए जा मैं कह रहा बाबा जब चाचा खालिद आएंगे तो देख तो सके ना कैसे बाजेगी मजा आ तो मजा आवे चलो मैं कह रहा बाबा जी जैसा टाइम है गो मैं न्यार व्यार करके डीजे वीजे कर आऊंगा मैं बैंड हो जाएगा एक नागिन डांस हो जाएगा मतलब ब्याह के मारे जा कर आऊ बेसन ने पानी जरूर पियाती जार ठीक है बाबा जी प्या रहा हूँ नागिन बैंड भैया ज्ञान रुकियो जरा रुको क्या होगा जरा मेरे संग चले चलो रंगीला मेरे संग जाति कर रहा क्या होगा मेरे खेत की मेहंड को काट रहा बराबर तेरे कहाँ खेत आएंगे खेत भैया ज्ञान मेरा ना है मैंने चाचा श्यामलाल का ना ले रखा लगान पे उस खेत की मेहंड को काट रहा तो तेरा कहा मतलब श्यामलाल जो क्या श्यामलाल अपना आप भुगतेगा भैया ज्ञान आप फिर बात पे नहीं पहुँच रहे हो आप समझे नहीं जब मैंने खेत लगान पे ले रखा तो मेंढ की भी जिम्मेदारी मेरी तो हुई चाचा श्यामलाल तो मुझसे ही पूरी नपत ले लेगा भैया खाली दिए डॉल काटा बड़े बेशरम हो इनका शर्म न रहती है आज भी काटेंगे कल भी काटेंगे हम तो इनसे दुखी हैं हमने तो इनसे आकर के कहनी छोड़ रखी है मुझे लग रहा तुम्हारे खेत में भी काट रहा कोई अजी काट रहा पड़ोसी ने जाकर देख कोरी डॉल काट रखे दोनों ओर से अब चले चलो यार संग में दोनों लठ बजा लेंगे मेरे संग खड़े हो जाइए भैया लठ जाके बजा तो अपना आप बजा हमारे बस की नौ लठ बजाना भैया हम तो जा रहे हैं घर को आ रही है मेरी समझ में ज्ञान डर रहा डर गया इसलिए ना कह रहा कुछ पर भैया खालिद ना डरता किसी से महल्ले में जाकर बतला दी जा जिनसे काम लेने जा रहा अपना बार अगीला रुक जा तू लाओ पापा जी मैं ले लूं अरे तू रहन दे जा कौम को बुला भाई कर लीजो तू छुट्टी करवाई है तेरी हमारे याद मैं ही देख लूंगा ऐ भाई रंगीला तेरे दोनों लौंडा रोटी कराए मोह लगा छुट्टी पर दिखे अम्बे चाचा श्यामलाल आज इनकी छुट्टी करवा ली यू मसला सो निपटाना हो ना आज हाँ हाँ खोदो 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 खोदले हराम की सी है यहाँ खोदले भाई कितना बेहाय रंगीला भी है आ रहा खालिद अभी बताएगा तू देखो देखो कौन आया कौन आया देखो देखो कौन आया खालिद देखो देखो कौन आया कौन आया देखो बाहर रुक जा रंगीला
जाएगा तो उस पर मैं मेंट कटवाऊंगा। अरे लिकाड़ियो ले लाठी, देखियो गैंगस्टर आ लियो। भाई ये तो जाहिल अपने लौंडों के संग हथियारों को लेकर आया, निपटा देगा खाली दिए तो। भैया रंगीला तुम्हारा जो है ना झगड़ा करने ना आया, ये खालिद खालिद को तो अमन चैन पसंद है। मैं तो इसलिए आया भैया रंगीले, जब तुम इतनी जाति कर रहे हो जरा सी जाति और कर दो, तुम्हारे तीनों लड़कों पे लठेंगे, एक लठ तुम्हारे लिए लाया, तुम खाली हाथ अच्छा थोड़ी लग रहे हो, निपटा दो मुझे, लो मेरी कमर को पीटो ना लो। अरे ढोंग मत मचा रहा, खड़ो हो जा, जानू मैं तो। जब जानो भैया रंगीला तुम मुझको, तो क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे संग जाति कर रहे हो है, क्यों मेरे खेत की मेहनत को काट रहे हो तुम, क्यों रिला रहे हो अपने खेत को मेरे खेत में। तो पहले बात सुन, खेत है सोमलाल को और हमारे सोमलाल अपने आप निपट लेंगे, तू बीच में मुकदम न बनाया। भैया रंगीला आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हो, मैं इस खेत को लगान पर लिए पढ़ा हूँ एक साल के लिए, अब कम बढ़ती होएगा तो चाचा श्यामलाल तो मुझसे ही वसूलेगा ना, इसलिए बनना हूँ मुकदम ना बनना हूँ। भाई साहब अब भी मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, ऐसी जाति मत करो है। जाति तो होएगी, अब तू भी सामने खड़ो हम भी तेरे सामने खड़े हैं, जो तुम्हे बिगाड़ा जा बिगाड़ ले, और जो तेरा हिमायती हो वहाँ भी बुला ले, वहाँ भी देख लेंगे। भैया रंगीले देखो मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ आपसे, ना झगड़ा करने की मेरी भी साथ, मैं कहाँ लड़ लूंगा तुम चार चार में अकेला, खालिद तो अकेला आया आज जहान में और अकेला ही है, मुझसे ना झगड़ा होने का। और हिमाती की कह रहे हो भैया रंगीले, हिमाती सबका एक ही होता, मेरा भी वही है, ऊपर बैठा वो देख रहा सब कुछ, जब सही समय होएगा वो मेरी मदद करेगा, ना समझ रहे हो बात को। अब तुम ऐसा मेंट को फावने से मत काटो, ट्रैक्टर चलवा दो इसमें भी है ना, तुम अपने पेट को भर लो, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, काटो जी काटो भैया, लेकर लट्ठो को जो ये समझ रहे, तुमसे बड़ा गैंगस्टर ना कोई, काट ले काट ले। चाचा श्यामलाल तुम क्यों चुप लगाए खड़े हो, बोल क्यों ना रहे हो, तुम्हारे खेत की मेहनत कट रही है तुम्हारी आंखों के सामने। श्यामलाल श्यामलाल कौन है उसके हैं, श्यामलाल तो भैया फटकार के घर सो रहा है, श्यामलाल तो है ही नहीं उसके। समझ गया मैं, चार लट्ठों के सामने जिबान ना खुल लिया तुम्हारी भी, चलो घर चल ले, भैया ज्ञान को बुलाऊंगा, भैया बिजी को बुलाऊंगा, गांव समाज में पता तो लगा रंगीला कर क्या रहा, चुनाव में बहुत जल्दी आता है भाग के कि मुझे वोट दिया जी, अब दूंगा ऐसा वोट, मैं भी लेऊंगा वोट के संग नोट ना, चाचा आ जाओ पर्चा भरूंगा अब की दफा इसके सामने, ऐसा बनाऊंगा प्रधान। लट दिखा रहा हूं। डर गए चाचा, हम तो डर गए भैया। भैया अब तुम रंगीला हरे खुले हम खेत की मेंढ काट रहे हैं, ऊपर तक दादागिरी और दिखावे। रंगीला हर का परिवार है बड़ा चाचा, उनसे लड़ाई झगड़ा करना ठीक ना है, पोतो हो रहा तुम्हारा सियाणो, वहां को टुक लग जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएंगी, कल को ब्याह सगाई भी ना होने की। ब्याह सगाई? अरे भैया ज्ञान रिश्ता तो हुआ पड़ो है, बिचौली आपके मजबूत है बहुत, और भगवान की हम पे तो सीधी निगाह रही ना, हम तो हाथ जोड़े सीधी निगाही रही हो, फुलेरा दोज पे पोते के फेरे भी पड़वा दूंगा। चलो फिर तो चुप लगाओ जब तक फेरे ना पड़ जाए। यही मारे तो चुप लगा रहा हूँ, अन्य तो आज से 10 साल पहले मैंने जो है ना रंगीला और वहां का पूरा परिवार इकले ना लपेट दिए। चाचा यार अब तुम मुझे बतलाओ क्या करना है इस रंगीले का। देख मैं हमें तो बताना कुछ भी, तू जाने और रंगीला जाने। देखो जी मैंने जो है यार 3.5 बीघे को चक दिया लगौन पे नाप तोल करके, और मोहे 1 साल पीछे पूरा का पूरा 3.5 बीघे चाहिए पूरा का पूरा नाप तोल के, जैसे मैंने याद दियो, और जो कतई भी वहां में कमती बढ़ती हुई ना वहां को दंड देगा तू। अब नपत को रहन कहां दे रहा रंगीला, हराम पंती करे पड़ा खेत में, भैया ज्ञान रोज 3rd दिन मेंढ को काट रहा, बतलाओ कहां से नपत दूंगा ही नौ पूरी,
है, मैं गरीब आदमी हूँ, मकान दुकान बिक जाएगा फिर भी ना पूर्ति पड़ेगी। हाँ देख मैं खाली मुंह पर लड़ाता जा रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये लड़ाई झगड़े छोड़ के तो पे कोई और तरकीब हो तो मैं बता दीजो, सोमलाल जैसा भी टूटा फूटा तेरी गैल रहेगा। थ्री इंडिया का लेकर जाकर अमरेश पुरी आकर एकदम जॉनी बहम उठा देकर बूढ़े ढांड, तू इन बालकन के खिलौने तो खेलता हुआ अच्छा ना लग रहा, नीचे को चला जा तेरे बाबा धर कोई बैठा गिन के यहाँ केक अप चाय जाएगी। या बुढ़ापे के आखिरी निशानी बोलने का सहूर नहीं आ रहा, बुढ़िया अपने आदमी सुजीवन लड़ाक रहे तू ऐसे मौसमत बहस करे कर, बालकन के खिलौने रवा के खिलौने, रिश्ता होगा मेरा फिर ब्याह में ना बैठाऊंगा, गाती डोलेगी पूरे मोहल्ले पड़ोस में, हमारा पोता ऐसा कर रहा हो ऐसा कर रहा हो। देख ले कैसी जुबान चला रहा, काम को कहते हैं कैसा जोर पड़े। कहां देखे कस खड़ा है आज के, ए बाबा अच्छे खासे गिन लिए फिर भुलवा दियो, चलो जा चाय लिए जाके उठको तो सुधार दूंगा नहीं तो। जिस जैसे चाय पीनी हाथ उठाओ, तब ना पियो बाबा। मजाक यहाँ जी भारा ही मजाक क्या मजा किया है तो है, पर चाचा का रिश्ता कहाँ से हुई और रिश्ता हुआ समस्तीपुर तक। ये समस्तीपुर कहाँ पड़े है? यू पड़े है बिहार में। ले चाय ले चाय। अच्छा दो भेजी है लड्डू ने मोको भेजी है कि है बाबा, तुम दो पियोगे मैं पीऊंगा, मैं लेकर आया। अरे उरे को दे दे अटके ना मेरे। देखो जी आप जितने भी लोग ना बैठे हो, गांव के जिम्मेदार लोग, हमारे संग जो रंगीला अत्याचार कर रहा है ना उसको भी निगाह में रखनी हो। गलत कर रहा हो जी रंगीला, गलत कर रहा हो। चलो 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 चलो। चाचा हमारे गांव के लोगों का मसला या तो चाय के कप पे आके निपट जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा हुई तो दारू के गिलास पे आके निपट जाएगा। इन्हों को किसी की परेशानी से जब तक परेशानी नहीं है, जब तक परेशानी खुद आकर इन्हों का गला ना दबा लिएगी। सही कह रहा हूँ खालिद, ऐसे ही करेंगे। अब इनकी देखी हिच के चाय सटक गए, अब ये सूदे पता कहाँ लगेंगे, रंगीला धोरे और हौच के जाके पाले जी मांगेंगे। चाचा यार एक मसला समझ में ना आया मेरी, में तो अमन का रिश्ता तुम बिहार करे पड़े हो। अजी काहे को बिहार ते करो, मैं तो यहाँ झूठ बोल रहा हूँ, आज की डेट में काहे पे भरोसा ही मत करो। ये बात बिल्कुल वाजिब कही है चाचा तुमने, ऐसे मसलों में घर के घर में भरोसा ना करना चाहिए। जभी तो ना बताई मैंने यहाँ ना। बिल्कुल वाजिब है चाचा, इसमें कोई दिक्कत ना, बतानी ना चाहिए। वैसे चाचा कहाँ से मसला करे पड़े हो, कहाँ से रिश्ता ले लिया? हुगली है चाचा, हुगली गांव का नाम तो पहली दफा सुन रहा हूँ मैं, ना तो ना लगेगी छुगली, मजाक कर रहा हूँ। कहाँ पड़ता है चाचा ये हुगली? यू पड़े है बंगाल में। बाबा जी। हाँ कहा बाबा जी, एक बात है। हाँ बता क्या बात है। बाबा जी वे नौ दिन से ब्याह की बात चल रही, वे कुछ कह रही। कहा कह रही?
बाबा जी जो ना उनका जी जो ना जी बाबा जी 3 दिन पीछे जी बाबा जी जन्मदिवस है तो जी वे जी मौसम कह रही जी कि मैं जन्मदिन जी में कहा दूंगा जी गिफ्ट में। अरे गांव में हसीन की बैठक पे बिसारती ने दुकान लगा रखी है, मेरे कुर्ता में तो 10 रुपया ले जा और 5-7 रुपया की कोई बढ़िया सी साफ सी अंगूठी ले आ, अंगूठी दे दीजिए वहाँ। अरे बाबा अंगूठी तो तनक सी रह रही इतनी सी कुल, कोई बड़ा सा गिफ्ट दिवाओ ना। बड़ा सा तो फिर एक काम कर, खरक में ट्रैक्टर खड़ा कई साल तक खराब, वाके पिछले टायर खोल के ले जा और वह टायर दे दे। अच्छा खूब बड़ा भाई चाचा, तुमने ये बात बिल्कुल वाजिब बतलाई है, अंगूठी का क्या यार, इतनी सी अंगूठी वो तो उंगली में ही पड़ी रह जाएगी, ट्रैक्टर के टायर से कई फायदे, एक तो गिफ्ट इतना बड़ा हो जाना और दूसरा जब बरसात का टाइम ना आता झूले झूलते हैं, उस टाइम में भले ही उसको झूले में डाल के झूल भी लेगी। ए बाबा देखे थोड़ा सा खर्चा कर लो मोकू, पहली बार कह रहा हूँ मैं तमसु, वे देखे खामखा छो हो जाऊंगी, ऐसा अच्छा सा थोड़ी लगा है, मैं देखे उनका दिल ना दुखाना चाहता बाबा उनके जन्मदिवस पे। खालिद तो देख लीजो ब्याह होते नहीं भगे गोवा की गेल, अरे भैया मो पे ना पैसा वैसा, अपने आप कमाओ और अपने आप गिफ्ट दो। पिछवाना है, खड़ो खड़ो, चुप हो चुप, बता कैर पे तक को गिफ्ट चाहिए। ऐसे तो न बूझी बाबा, मैंने उनसे कैर पे तक को गिफ्ट लेंगी, मतलब बिगर बूझे ही बूझ गई है पहले उनते कैर पे गिफ्ट चाहिए, जब किंग गई तो कुछ जुगाड़ करूंगा। ठीक है बाबा जी, 5-6 बाबा जी। गेल फैल बिखेर लगे वो और तई पे बैठी होगी कतई चिमटा फूकनी न लेके सुन ना गई हो गए बा। देखे खालिद यू दिक्कत रहे आजकल के बालकन में, बिहाते पहले बात हो लगे तो नई नई चोट ले रहे मैं। चाचा सारा मसला बिगड़ा इन फूनों से, जब से फून आए तब से चल रहा है सारा मामला। अरे फून कहा यार खालिद, वो लौटिया याकी गेल स्कूल में पढ़े है, हाँ तो करिए कोई फरमाइश वाने। स्कूल में संग पढ़ रही है चाचा, फिर तो बंगाल से बहुत दूरी तय करके आ रही है, 1500 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर रही है चाचा, पैदल तो लाजमी है नहीं, इसका मतलब तो मैं ये समझू लौंडिया के अब्बू ने इसको हेलीकॉप्टर दिलवा रखा जिससे उड़ान भर के यहाँ आती है पढ़ने के लिए। ग्रेटर नोएडा की है कई गांव की, ऐसे ध्यान सी नाम हो यहाँ ही किया ग्रेटर नोएडा की। समझ रहा हूँ चाचा, मत बतलाओ तुम, तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह रही है ये। चल रहा हूँ मैं तो, भूख लग रही है मुझे, बतलाओ मत कभी मैं चुगली लगा दूँ, गैरत तो है ही ना तुम्हारा। तेरी पता थोड़ी है मक्कार, हुए हुआ है 20 रिश्ता तोड़वाए तेने, चुगली ना करेगा भलो तू। रुखसाना, अरे रुखसाना कुछ खाने के लिए दे दियो, भूख लग रही है मुझे। लिया जल्दी, कितना टाइम लेगी। ये क्या जाहिलपंती करी है तूने? जाहिलपंती बतला रहा, खा ले चुपचाप। भाई रुखसाना मुझे लग रहा तुझे बाबला बुखार बन गया दीख है, ईट पत्थर खाने की चीज होती है, इन्हों को खाऊंगा मैं।
ईंट पत्थरों से अलहदा कुछ भी ना घर में। इतने दिनों से कह रही हूँ राशन खत्म हो रहा, राशन ला के दिया तो ना मुझको। भाई रुखसाना दे, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ मैं पहले ही तुझसे, लेकिन अब पानी जो सर से ऊपर होगा, अब खालिद को दूसरा निकाह करना पड़ेगा। अच्छा निकम्मे, उठा लेगा तू खर्चा? तुझपे मेरा और बच्चों का तो खर्चा उठता ना, दूसरा निकाह तो जब करेगा तू? मैं खालिद ये बात तो वाजिब कह रही है, सही फरमा रही है। इसका ही खर्चा ना चल रहा, जेब में 2 रुपए तो है ना। पर्चा कहा ले, सामान का पर्चा दे, मैं लेकर दे देगा उधारी तो। पर्चा पिछले 8 दिनों का दे रखा तुझको, जेब में देख ले अपने कुर्ते की। आठ दिन का पर्चा कुर्ते की जेब में पड़ा, इससे ये साबित हो रहा तूने 8 दिन से कपड़े ना धुले मेरे? पहली बात तो घर में साबुन ना और पानी भी निकालती तो तूने 8 दिन से कुर्ता उतारा? मैं रुखसाना नाराज हो जाती है तू। अब एक काम करियो, मैं राशन लेने जा रहा हूँ, 9वें महीने की 9वीं तारीख 1 तारीख को धुलियो, 1 जून को उतारूंगा कपड़ों को, अलग हट जाओ तू। राशन लाता हूँ। देख ले अच्छी खासी लौंडी अपने मामू के नहरे रही, इसको नहा लिया मेरी जान को तू, तेरे पियरियाओं का ज्यादा खा जाती है। अब सुबह शाम मुझसे चीजी मांगती रहे, अब वो चिज्जी ले आई हो, ऐसी आदत खराब करी है हमारी लौंडिया की। अबू जल्दी आता ले आई हो, सुबह से थाना ना थाया। मैं आटे के लिए ही जा रहा हूँ और कम है, हज पे जा रहा हूँ, लेकर आऊ आटा, तसल्ली रख ले। मुझे भी इसने चपाती ना बना के खिला दिया, सुबह से भूखा डोल रहा हूँ मैं भी। इतना जाहिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा। अरे वाह की बात देख रही हो मन की, बहुत देर की कहकर आई हूँ, अब तक तो आया ना। तू कहाँ ले मन से? अरे तो पता ना, हमारा रिश्ता होगा, ब्याह होने वाला हो हमारा। अरे मुझसे तो पूछ लेती एक बार रिश्ता करवाने से पहले, बड़ा लालची है वो। 3 बार रिश्ता हुआ मेरा और 3 बार टूट गया, दहेज पाके बात रुक जावे। अरे बिनियो जैसा भी है, अब सब भैजूड़ी है। बता दूंगा काहे की जल्दी, नु बताओ घर परिवार में सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। और पापा जी एंड मम्मी जी ठीक है? बता तो दी ठीक है। और सुनाओ तो। कहा सुनाऊ, पहले नो बता क्यों बुला रहा हूँ। अच्छा वो वाली बात, वो तो मैं हमारे बुला रहा हूँ, मेरी जो अपने बाबा से बात हुई थारे जन्मदिन के गिफ्ट के मारे, तो बाबा जो नु बूझ रहे नु कितना खर्चा आ जाएगा होने वाली बहडिया से, नु बूझ लीजो तो वही की बूझ रहा हूँ कितने खर्चा समझो थारू गिफ्ट को मतलब। अरे तेने गिफ्ट वाली बात अपने बाबा बता दी? और का बाबा ना बता तो, बाबा ना बता तो गिफ्ट को पैसा कहाँ से लाता, गिफ्ट को पैसा तो बाबा ही देंगे। हे भगवान, यू कैसा लौंडा मेरे पल्ले बांध दिया। इरे ऐसा कौन अपने बाबा बतावे, यू तो तेरी और मेरी पर्सनल बात ही। तो मैं कहीं ड्यूटी करूं जो तो गिफ्ट ला कर दे दे, तो बाबा बूझ लगे तो कहे को इतने सारे रुपया चाहिए, ये हमारे बहन बाबा बता दी कि ऐसे ऐसे थारी होने वाली बहड़िया का जन्मदिन आ रहा, गिफ्ट को पैसा चाहिए, गिफ्ट मांग रही है। कोई बात ना, बाबा बहुत अच्छा आदमी है मेरा, कई गोमन में बाबा का नाम है अच्छाई में, काई सुनो कहे बाबा, पर्सनल बात पर्सनली रहेगी। बाकी तुम बाकी बताओ गिफ्ट को कितना खर्चा समझू? गिफ्ट देखियो 1000 तक को होना चाहिए, जासू मैं अपनी सहेली ना दिखा सकूं, मेरे होने वाले उनने दियो। यू उनने होने वाली बात तो बहुत बढ़िया कही है तुमने, पर 1000 का ज्यादा ना हो जाएगा? देखियो 1000 की तो बिनौले की खल की बोरी आ जा, ऐसा तो बाबा लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ या गिफ्ट के पैकेज तुम 700 रुपया तक ना कर लो। चल ठीक है कंजूस, 700 का ही करवा दियो। ए जी तुम बुरा ना मानो तो जी, मैं जी एक बात कहना चाहता था जी,
जैसे कि जी अब तुम्हारा और मेरा जी ब्याह होने वाला ही है जी, बाबा नु बता रहे मनु फुलेरा दोस्त तक जो हो ना बात होगी आपके पिताजी इंसु जी, तो फुलेरा दोस्त तक हो जाएगा जी ब्याह। तो अब जैसे कि अगर तुम भी मौसू आप अजी सुनते हो अजी चाय पी लो हेलो जी इस तरह से अगर कह लगो तो जी कितना अच्छा लगेगा जी। आप भी ना। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। फिर कदम लोगी जब तुम कहोगे, कल कोई मिल लीजा थारे जन्मदिन का गिफ्ट भी दे दूंगा। कल नहीं परसों। कहाँ चके कोई होच गई। ठीक है जी जैसे थारी मर्जी, चलो तुम घर तक छोड़ दूंगा साइकिल पाओ। आदाब भाभी। भैया कहाँ रह रहे हैं आजकल, नजर ना आ रहे कई दिनों से। ए खालिद भैया, तुम्हारे भैया की एक कंपनी में चौकीदारी की ड्यूटी लग गई है, अब वो वहाँ जाने लगे। चलो बढ़िया, तुम्हारी आमदनी बढ़ी चार पैसे की, करना चाहिए खाना कमाना अच्छी बात है। जरा सा सामान भाभी से निकाल दियो, 1 किलो तो चीनी है, 10-10 ग्राम मसाले निकाल दियो सारे, और 100 ग्राम चाय की पत्ती और 2 किलो आटा। अरे गुलाबो एक मंडल मोची दे दीजो, पैसा मेरे खाते में लिख ले। भैया तुम ही लिख दो, मैं पढ़ी लिखी ना हूं। खालिद भैया तुम्हारा भी हो गया, अब लाओ 190 रुपए हो गए, दे दो उन्हें। पैसे मैं लिख दूंगा, लाओ तुमसे ना लिखा जा रहा तो लाओ। लो भैया तुम भी लिख दो इसी में ही, मुझे क्या पढ़ना लिखना आवे। कितने बताए 190? लो लिख दिया मैंने अपने खाते में लिख दिए। ठीक है भैया। ए चाचा तुम नलाई करने में लग रहे हो ना, लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई? किसकी लॉटरी लग गई? बैठ यहाँ को। किसकी लॉटरी लग गई? हमारी लग गई चाचा, और किसकी लगती? हमारी? मैंने तो कोई टिकट ना खरीदा लॉटरी का। चाचा तुमने कहावत ना सुनी है, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। ना कहावत तो सुनी है, पर तू कहावत कहक बता रहा हूँ, यू बता लॉटरी लगी कैसे कैसे है। चाचा पहले तुम मुझे इतना बतलाओ, सेवाराम की दुकान पे तुम्हारा उधार खाता चल रहा ना चल रहा? हाँ उधार तो खैर चल रहा है, जब पैसा ही ना धो रहा तो उधार तो चलेगा ही। अब चाचा ना सुनो ध्यान को लगा के तुम, वहाँ पे मेरा भी उधार चल रहा और रंगीला का भी उधार चल रहा, और जब से भैया सेवाराम की नौकरी लगी है ना, उनकी लुगाई संभाल रही है दुकान को। और लुगाई चाचा पढ़ाई लिखाई में अंगूठा टेक है, जैसे ही कोई सामान लेता वही खाते को आगे बढ़ा देती है। लिखो भैया अपने आप, मुझसे ना लिखा जाने का। कहता सही रहे हो भाई तू, कल मैं चाय की पत्ती लेकर आयो, वाने रजिस्टर आगे कर दिया, वही पे लिखवाया हो वाने। बैठ तो चाचा इसी बात का तो फायदा उठाना, सामान खरीदना जरूरत से ज्यादा, और जैसे लिखने के लिए वही खाता दे, अपने नाम को तो पलट दो, रंगीने के नाम पर चढ़ाओ। मैं कहा चाचा भी राशन के लियो, मैंने सारा राशन लिया, मैंने देखा रंगीले की तरफ रजिस्टर कर दिया सेवाराम की जनानी ने, उसने उसमें अपने नाम पे लिख दिया राशन। मन का भाई ये तो पढ़ने में जो नजरअंदाज कर रही है, उसने फिर मुझे दिया जी तुम भी लिख दो अपना। रंगीले का खुला पड़ा पर्चा मैंने उसी पे डाल दिया। और चाचा ताज्जुब की बात देखो, रजिस्टर बंद कर रख भी दिया।
अब ज्यादा यही काम करना अब समझ रहे हो ना। पर तरीका तो तेने बढ़िया बताया हो, पर बच के रहना पड़ेगा। रंगीला के खाते में लिखेगा और रंगीला पता पड़गी तो बेटा तोड़ेगा बहुत। चाचा यार तुम मुझे एक बात बतलाओ, रंगीला उसी दिनों से तुम्हारी खेत की मेंढकू काट रहा, तुमने कितनी दफा तोड़ लिया उसको जो हमें तोड़ेगा? और चाचा काम को इतनी सफाई से अंजाम देंगे ना, पता ही ना लगने का। सही कह रहा हूँ, चल तो चल, अब घर में राशन भी खत्म हो रहा। ओह नो, जब ओखली में मुंह दे दियो तो मूसल सुखा डर ना। वही तो चाचा, डर के जिंदगी जी तो भेड़ो वाली जिंदगी ना हो जाएगी, शेर की तरह जियेंगे ना। अरे चार दिन जियो पर जियो शेर की तनिया। और बेटा सामान बता रहा हूँ वाले कार्टन, 10 किलो तो चीनी, 1 किलो चाय की पत्ती, 5 किलो सरसों का तेल, 5 किलो सरफ, 1 किलो लाल मिर्च, और लाल मिर्च का मसाले तो जो भी हो मैं तो पे 1-1 किलो सबे कर दे, और 1 पैकेट बड़ा बंडल मंडल को, और 1 पैकेट मोचस, और 5 किलो गज्जक। चाचा गज्जक तो नहीं परचे में। अरे आपको करवाई चुप देसी। 2.5 किलो इधर को दे दियो चुप, होशियारी तो दिखला रहे हो तुम। यही मार्थ 5 किलो करवाई है, आधी आधी ले लेंगे। कर दे बेटा कर दे। ठीक है चाचा। देखता रहा कभी कोई आधा। चाचा हो गया सामान? ले लो, होगा होगा, लो पकड़ो। ला बेटा कॉफी ला दे, मैं लिख दूं। लो चाचा। क्या रुपया होगा बेटा? चाचा 1001, 1001, 501 और 301। चाचा 3100 रुपए हो गए। अच्छा ठीक है। इकट्ठा राशन लिख दो बस यार। ले बेटा खाली दो ठोया था। यह गारे तो इतनी मजबूत बना दे दीवार है, सीमेंट की मजबूत आई भी फेल हो जावे जो। ठीक है बाबा जी। लेंटर भी गारे में गिरनो। है चाचा ये क्या प्रोग्राम चल रहा? अरे परचूने की दुकान बनवा रहा हूँ। परचूने की दुकान किस लियो? यहाँ ना बताओ, डोडो बताऊंगा पर एक चल लेंगे बैठेंगे। आओ तो आओ, कल का तो आओ। चाचा क्या इधर उधर को आंखों को टिमटिमा रहे हो, कोई ना सुन रहा ना, बतलाओ ना क्या चल रहा तुम्हारे शैतानी दिमाग के अंदर? या दुकान है या हमारे बनवा रहा हूँ, अमन बैठो रहे करेगा दुकान पे, और सामान की टेंशन है ही नो, सेवा राम की दुकान पे सुसारो आ जाए करेगा। 10-5 रुपया मंदो करके किलो पे और तुरंत बेचे करेंगे, और ग्राहक की तो पता ही है जहाँ 1 रुपया मंदो दिखो वहीं को भगे, लेन लगी रह करेगी लेन दुकान पे, और जब काम अच्छा चल जाएगा तो खाली 1-2 रुपया 13 कमीशन हो जाएगा, वो कोई दिक्कत ना हो देने में। चाचा तुम्हें कोई बात बतला नहीं, मतलब बंदर के हाथ में माचिस देने बराबर है। सही कही है किसी ने वो कहानी, मुर्गी रोज सोने का अंडा दे रही है तो खाया ना गया,
सारे अंडे को एक ही संग सटकने के चक्कर में मुर्गी को ही काट डाला। अब चाचा तुम मुझे एक बात बतलाओ, अपने दिमाग के अंदर डाल के जोर, रंगीला तुम्हारे खेत पर कब्जा कर रहा, होले होले ही तो कर रहा, मेंट को होले होले ही तो काट रहा, वो चाहता एक दिन में कब्जा ना कर लेगा, क्या कर लोगे तुम? है सपोर्ट में तीन लौंडे ना खड़े हैं उसकी में, एक दिन में कर लेगा, लेकिन वो होले होले मेंट को काट रहा। तो चाचा इसी तरह होले होले रंगीले को बर्बाद करना, समझ रहे ना, जैसे को तैसा। यार तने पहले की ना दी ये सलाह, हमने तो अपना सारा पैसा ये प्रोजेक्ट में फंस दिया। जब से कहाँ सो रहा है तू? हे चाचा तुम मुझसे पूछते तभी तो बतलाता, तुम्हें तो जल्दबाजी रहती है, बस बिजनेस डाल दो नया। हमने तो खाली दिया में सारा पैसा अपना बेंड कर दिया। oh, no. अब पोता दिमाग खराब करेगा, वह होने वाली बहड़िया को कल को जन्मदिन का ही है, वह गिफ्ट देगा, अब याकू कहाँ से चंदा इकट्ठा करूँ मैं? चाचा इन बातों का समर्थन ना करता हूँ मैं, ये तो ना समझिए सरासर। ओ समझदार, या ना समझिए छोड़ को रहा बता। यू तो बढ़िया बताइए भाई तेने। बाबा जी एक बात है। चलो जब परे को अन्नी मुंह पे लाते। बाबा जी चुपचाप सुन लो मेरी बात, नहीं मैं माजिश जाकर बात कर लूंगा वहां वाले विषय में। अरे ना 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 ना, ना, ना माजिश मत के, मैं आ रहा हूँ, हंसी मजाक भी ना करन देवे, डरे मत ना बैठ नीचे को। तन तन सी सी बात है, जो ना जाकर अपनी माते मत ना लगाए करे, बात बता कहा है। बाबा जी मेरी जो ना जी उनसे बात हुई वाले विषय में, गिफ्ट वाले में, तब वे जी बाबा जी नु कह रही कि जी जैसे कि जी मैं उनको पहली बार जन्मदिवस मनाऊंगा जी, तो नु कह रही भाई कम से कम 1,000 रुपया तक को तो गिफ्ट हो बे, महंगाई का टाइम है। वासु कह रहे वे वे नु कह रही मैं अपनी रिश्तेदारी में बताऊंगी, मोहल्ले पड़ोस में फैलाऊंगी और अपनी सहेली से भी कहूंगी कि मेरे होने वाले उनने वो गिफ्ट दिया 1,000 रुपया तक को। तो बाबा यही मारा कह रहा हूँ मैं भी, देखो ससुराल में पहली पहली बार मेरा भी थोड़ा नाम सा हो जाएगा, साली वालीन में सही प्रभाव रहेगा फिर। यह मार बाबा तेने 1,000 रुपया तक का। समझ रहा हूँ मैं तेरी फीलिंग है, पैसा तो खैर मुँह पे है ना, पर एक प्लान है को बढ़िया सो, कौन ले काऊ रे कौन, मैं बताऊंगा। ए यू जुगाड़ तो बढ़िया बताओ बाबा तुमने, पाप छुई छुआ बाबा, जा रहा हूँ मैं करता हूँ ये खो, मैं आशीर्वाद तो दे देते। ए तुम तो सूखा ही हाथ चला रहे हो, सदा सुहागी वाला दे देते। हाँ सदा सुहागी चाचा तुमको पाप छुई छुआ। ए चाचा कौन सा फार्मूला पढ़ दिया लोंडे के कान में? वही फार्मूला पढ़ो जो तेने थोड़ी देर पहले मेरे कान में पढ़ाया। ताई 5 किलो तो चीनी कर दो, और 5 किलो सरप कर दो, और 1 किलो चाय की पत्ती कर दो, और मसाले 1-1 किलो कर दो सबले, और 5 किलो नमक का कट्टा कर दो, और कुछ बता, थार घर में खत्म हो रहा हो तो बंधवा दूंगा। एक शैम्पू की लड़ी और करवा दे। ताई एक शैम्पू की लड़ी और कर दी, जो जहां मैं नहाने सु घने सारे झाग बने कर रहे ना सिर में, वाह करियो। होगो तेरा सामान, और रुपया हो गए 1,600। कितने हो गए भैया? यू 2600। हाँ तो ला 2600 रुपया दे दे। ताई जी मेरे बाबा जी नु कह रहे जी
नुक जी उनके खाते जी में लिख दिया तो मैं लिख दूंगा, बाबा दे देंगे उधार है। ले लिख दे तो इसमें, मैं तो पढ़ी लिखी हूं ना। लोताई लिख दिया मैंने, अपने बाबा खाते में लिख दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त सबका बदलता है। रंगीला सत्ता और ताकत के नशे में इतना डूब चुका था कि उसने इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया। लेकिन वो भूल गया वक्त से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता। जंगल में हर शेर को एक सवा शेर मिल ही जाता है। तो फिर क्या हुआ, खालिद ने रंगीला की कमजोरी पकड़ ली और फिर शुरू हुआ चाचा श्यामलाल और खालिद का खौफनाक इंतकाम। एक दिन रंगीला के नाम पर उधार खाते खाते एक महीना गुजर गया और सेवाराम जी ने खोली अपनी उधार वाली किताब और जोड़ा सबका हिसाब। चल ले हो, ये तुम्हारे 468 रुपया है। भाई सेवाराम, अब के तो जो थोड़ा हाथ तंगी में है, अगले महीने निपटाऊंगा थार कर्जा। अभी ठीक है चाचा। मैं ये कह रहा सेवाराम जी, मेरी भी पर्ची निकाल दो। क्या बोल रही है? निकालना तुम्हारे भी निकालना। लग जाओ देखो, ला जी खा लीजिए, आपके 420 रुपए हो रहे हैं।
भाई सेवाराम जी देखो गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इतना मोटा बिल बना दिया तुमने, इतना तो मैं सामान भी ना लेगा। थोड़ा बोल ले, थोड़ा चुप ना बैठा जा रहा, सेवाराम जी झूठा बना रहा। ऐसा ना कह रहा चाचा, मैं तो ये कह रहा सेवाराम जी अगले महीने ही दूंगा मैं भी, मेरा भी हाथ सही ना चल रहा। ना भैया ना बेईमान ना हूँ मैं, मैंने तुम्हारा हिसाब बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। भैया रंगीला, मैंने तुम्हारा भी हिसाब बना दिया है। ये आपका हिसाब है भैया 23,972 रुपया। 23,972 रुपया? अजी ऊंचे हिसाब में रंगीला हर के तीन तीन लौंडा बढ़िया कमा रहे हैं, खर्चा तो है ही घर में। ना ना चाचा, ये बात तुमने बिल्कुल वाजिब कही है। मेरी नजर में सेवाराम जी गांव में सबसे बड़े जमींदार, भैया रंगीला बैठे गांव में सबसे मजबूत काम है चाचा, रुपए पैसे की मौज है। कोई बात ना लाला, सौंज को पैसा पहुंच जाएंगे। भैया खा ले, कोई दुकान में सामान वाने भी चाहिए अब? ना ना, अब तो कोई सामान ना चाहिए, आज तो है घर राशन, कल ले जाऊंगा मैं, भाभी से ले जाऊंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी कल को ही ले जाऊंगा, आज को तो है गो। ठीक है तो चलो चाचा ही कर लेते हैं फिर। अच्छा आदाब सेवाराम जी। खड़े हो जाओ, चलो अब न्यू बताओ सेवाराम की दुकान से राशन कौन सा ले आयो? अब मैं न लाया पापा, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो तुम? और तुम में सिगरेट कौन पिए? हम न लाए कोई से भी, न हम पीते न खाते, हमारे कहा मतलब पड़ा। अच्छा चलो जाओ तुम। भाई रंगीला, अब तो ये गौर करनी पड़ेगी। तो नाराजा हिल्ला। भाभी गुलाबो, जरा एक सिगरेट की डिब्बी और माचिस दे दियो। खाते में लिख दूंगा मैं, दे दो, तुमसे तो लिखा पड़ा जाता ना, मैं लिख दूंगा। कितने रुपए हो गए? वो खालिद भैया 40 रुपए हो गए, वो ना मेरे पास सिगरेट खत्म हो रही, चार ही पड़ी, वो मैंने तुम्हें दे दी, 40 रुपए दे दो अब तुम, और माचिस यूं ही ले जाओ। मैं ये कह रहा सामान घर का और भी जाना, अभी मैं रुखसाना से घर के राशन के बारे में और पूछा हूँ क्या क्या जाना, एक संग ले जाऊंगा जब भी लिख दूंगा अपने खाते में, है ना, अपने खाते में तभी लिखूंगा, पहले घर का राशन और ले लूं, इसको रख लो, अभी आ रहा हूं मैं ना। भाभी आज आपको पीछे छोड़ो ही ना, हूँ आज देखूंगा यार कितना भाग है ये, मैं भी यहाँ ही बैठा हूँ आज जम। ए चाचा ना बैठ कर तुम चाय पी रहे हो, मसला बन गया, शिकार पिंजरे में आके बैठो अपने आप। सेवाराम बताई था ना, बताई अभी? अभी तो ना बतला ही चाचा, संग चलो जब तो बतलाऊंगा। हाँ तो चल चल चल, एक घूट रह गई बस। जला लिया मुंह भाई, चाचा तुमसे भी हैरत है, आओ फटाफट चल चल सेवाराम की फैक्ट्री पे ही चल ले। सेवाराम जी फैक्ट्री तो बहुत बड्डे में फैली हुई है, मुझे लगा अभी बनी रही है, चालू ना होती दिख है। हाँ भैया अभी चालू ना हुई है, अभी तो बनी रही है, इसमें लोहा लंगड़ पड़ा रहा, मैं आ जाऊँ थोड़ा सा, मैं भी अपना इसकी देखभाल करते रहूं। बताओ तुम कैसा, कोई नौकरी वोकरी के चक्कर में आए हो? किसको नौकरी करनी है, किसको नौकरी करनी है की पड़ी है भैया? चाचा सही बता रही हो तुम, अब गलत ना हो रहा,
अब तक तो चलो मैं भी मानना हूँ जी, ठीक है जो भी चल रहा, लेकिन चाचा अब गलत हो रहा, रंगीला सही ना कर रहा। भैया अब तो नाव में छेद हो गया, अब तो नाव डूबे डूबे। भैया ये किसकी नाव की बात हो रही है, किसकी नाव डूबे डूबे, यूँ तो बता दो। सेवा राम जी, आज मैं अपनी आंखों से देख का हूँ भैया रंगीले की हरकत। चाचा कहने को तो मुझसे उम्र में बड़ा भैया रंगीला, लेकिन हरकत इतनी छोटी करी यार। क्या कर दिया भैया उसने? सेवा राम जी, आपने अपने उधार के पैसों का तगादा ना करा। चाचा उसी दिन से सेवा राम जी की दुकान को उधार के नाम पे चाटता रहा, और जब इन्होंने पैसे मांगे 23,972 रुपए को खा गए इनको को। इन्होंने पैसे मांगे तो उसी बात से नाराज होकर इनकी दुकान के अंदर बैठा सेंध लगाए कूमल करने के लिए। अपनी आंखों से देख का हूं, भीतर बड़ा बैठा। मैं छोड़ूंगा ना इस रंगीला को। देख भाई सेवाराम, बुरा तो मानी मत ना, गुलाबो भी तो बैठी रहे दुकान में अकेली, ऐसे में रंगीला दुकान में बड़ो कैसे, यही बात समझ में न आ रही हमारी में। तो ये सवाल भी जो है ना उठता है तुम्हारी पत्नी के चरित्र पे। वो तो एक शक और लगे उनकी जो सेटिंग बाजी तो ना हो। चुप हो जाओ बुड्ढे। चाचा तुम क्या बावली बातें कर रहे हो यार, सेवा राम जी को मुद्दे से भटका रहे हो? नहीं भटका रहे हो, इस बात की छानबीन तो पुलिस करेगी ना, क्या असली मुद्दा उन्हें को बरगला रहे हो बेमतलब यार। तुम पुलिस को बुलाओ ना सेवा राम जी 100 नंबर पे फोन करके, पुलिस हिका लेगी असली बात क्या। चलो भैया चलो, मैं तो बर्बाद होगा। हाँ चलो सेवा राम जी चलो। खालिद मेरे मुंह तक कुछ गलत निकल की दिख है। चाचा तुम बावली बातों को इतनी करो, पूछो मत, अभी पिटवाते तुम, हम में ही बाजता उल्टा। सॉरी सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। आजा गुलामो, ओ गुलामो बाहर को निकल। चाचा हमार तुम अले तो बैठ के देखेंगे, नजराने आ जाओ है ना। हम बम पे आजा आजा आजा। निकल के ना भग्गा हो यार, कभी मसला ही बिगड़ जा, दिक्कत हो जाएगी फिर। बाहर को आ। का है गो, कैसे हल्ला मचा रखा है? हल्ला मचाना मत आ रही है, कौन बैठा रखा हुआ भीतर, बाहर निकालूंगा। ए कोई ना, रंगीला भैया बैठे हैं, लो आ गए। ए भाई क्या कर रहे हो तुम मेरी दुकान में, मैं बर्बाद करना चाह रहा हूँ तो, मैं लूटना चाह रहा हूँ तो। सेवाराम जी मैं लूटने ना आया, मैं तो उन्हें पकड़ने आया हूँ जो तुम्हारी दुकान है और मैं लूट रहे हैं। मैं भैया रंगीले अब तो गुनाह कबूल कर ले, अब तो सेवाराम जी ने तुझे रंगे हाथ पकड़ा दुकान से निकलते हुए। देख रहे हो चाचा इधर उधर को बातों को फेंक रहा, बेकूफ जानना हमें तो ना है। अरे खालिद मान जा, मुँह तो लगे सब तेरी मक्कारी है। ले 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 चाचा सुन लो, तुम्हारे सामने क्या कह रहा रंगीला है, ये तो चाचा वही वाला मसला हो रहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए भाई रंगील, यूं का तेरे हाथ पकड़ के ले गया, यान कही तो होता जो सेवा राम की दुकान में बैठ के बीड़ी पी ली जो। अरे गुलाबो तो सब पता, तू क्यों ना बोल रही? अजी यूं काहे को बोलेगी, ये तो पूरी मेर लेगी अब वाइट हाउस की। ए चाचा यार तुम चुप लगाओ, फंसवाओगे क्या? अब सेवा राम जी तुम बताओ करना कहाँ है? अजी मुझे कहा करना है, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, जो कुछ करेगी पुलिस करेगी, पुलिस आ रही है। पुलिस को कहा मैटर है यहाँ में? स्वागत तो करो हमारा। चाचा अब पुलिस आ गई है, पुलिस के सामने जिबान मत खोल दियो कुछ भी, ऐसे बैठ जाओ, हम तो अनजान है, हमें कुछ पता ना क्या मसला चल रहा है ना। अरे गुलगुले पता करके रोड़ा है, और ये सेवाराम के से जो फोन करे था। सब मैं ही सेवाराम हूँ, मैंने फोन कराया। बताओ सेवाराम जी काय करा फोन, क्या बात है? अबे रंगीला जी, इस भड़े मानस ने थारे तो अपने 23,972 रुपए के मांग लिए,
हम इतना बुरा मान गए? इसकी दुकान में चोरी करने खातर भटके ही बैठ गए भाई है? ए साहब, मैं चोरी करने को ना बैठो, मेरा तो मकसद कुछ और ही हो। साहब जी, यहाँ ले जाओ मेरी औखन आगे सो। रे गुलगुले बता क्या करें? साहब यहाँ थाने ले चल रहे हैं, वहीं जाके पूछें कहाँ मकसद है आपका। है बेरंगीला जी, अब तो तुमने थाने चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा गुलगुला तुमने बिना ले जाए माने क्यों नहीं। है बे गुलगुले, मान जाएगा के? साहब जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो भाई माने, ये आदमी लग रहा है फर्जी। धर ले। हट जा भाई, बैठ जल्दी। आगे को बहुत चोरी करी है, आज पता पड़ेगी थोड़े में। चल चाचा, देखा तुमने बुरे काम का बुरा अंजाम। खाली देख कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान के घर जो है ना देर है, पर अंधेर नहीं है बिल्कुल भी। ये वाजिब बात कही है चाचा तुमने, देख लिया सब सामने आगा। चले क्या गुलगुले? चलो साहब चलो।